ये जो हमारी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिए थे इससे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको केदारनाथ की यात्रा के बारे में बताऊंगी, इसका इतिहास के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इससे जुड़ी हर चीज मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है। ये मैप है, ये उत्तरकाशी है, ठीक है। लेकिन केदारनाथ उत्तरकाशी में नहीं है, केदारनाथ है ये उत्तरकाशी में है, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। लगभग यहाँ पे रुद्रप्रयाग पड़ता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसमें है आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है, जो कि हम अपनी अगली सीरीज में पढ़ेंगे, वो है चमोली में, ठीक है। ये हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट और इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आज हम ये इस डिस्ट्रिक्ट में जो केदारनाथ है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ केदारनाथ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। ये जो केदारनाथ है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपको पता होंगे 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उनमें से एक ये है केदारनाथ, ठीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है ये, ठीक है। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग नहीं पता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के 12 ज्योतिर्लिंग भी बता दूंगी, ठीक है। तो इन ज्योतिर्लिंग में ये हमारा केदारनाथ सम्मिलित है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो उत्तराखंड में पंच केदार है ना, पंच केदारों में भी ये सम्मिलित है, ठीक है। तो इन पंच केदारों में कौन कौन से आते हैं, एक तो केदारनाथ हो गया, इसके अलावा तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर, ठीक है। इनके बारे में अभी मैं आपको आगे थोड़ी और डिटेल भी बताऊंगी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अब ये जो हमारा केदारनाथ है ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के शीर्ष पे स्थित है, ठीक है। तो जो 2013 में बाढ़ आई थी, आपको पता होगा उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, तो वो यहीं पे मंदाकिनी नदी के पास ही रुद्रप्रयाग जिले में ही तो हुई थी, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे कितनी तबाही हुई थी उस टाइम केदारनाथ में, आप सब लोग उस इवेंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या ऐतिहासिक जानकारी क्या आती है इसके बारे में, यहाँ पे ना पत्थरों से बनी कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर का निर्माण, यहाँ पे ना पत्थरों से बना हुआ है ये मंदिर, ठीक है, और कत्यूरी शैली में बना हुआ है ये मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था, ठीक है, और ये जन्मेजय कौन थे, ये पांडव वंश के थे, ठीक है। और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्राचीन है, ठीक है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है वो शिवलिंग यहाँ पर जो है, ठीक है। और इसका जो जीर्णोद्धार था, इसका जीर्णोद्धार कराया था आदि शंकराचार्य ने, ठीक है। आदि शंकराचार्य से मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आदि शंकराचार्य के बारे में भी पूरी ऐतिहासिक जानकारी है, आप उसे भी देखिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी, आप उसे देखिए, ठीक है। और इसके जीर्णोद्धार के बाद राहुल सांकत्यायन ने 10वीं से 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। राहुल सांकत्यायन जो थे, इनके बारे में आपने शायद सुना होगा, उत्तराखंड के एक फेमस पर्सनैलिटी हैं ये, ठीक है। इन्होंने ये बताया है 10वीं से 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है। और ये जो केदारनाथ मंदिर है ना, केदारनाथ धाम जो हमारा है, इसी के पास आदि शंकराचार्य की समाधि भी है, ठीक है। इनका इनकी समाधि को यही बनाया गया, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई थी वो 820 में हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको इस में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और आपको ऐतिहासिक जानकारी बता देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि, देखिए सिर्फ ना एक चीज मैं आपको कहूँ कि सिर्फ बुकिश नॉलेज और आपको रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। ये जो आपको केदारनाथ के बारे में अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपका महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है। महाभारत लॉकडाउन में, पिछले साल से आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का, ठीक है, तो महाभारत इतनी बार टीवी पे प्रसारित हो चुकी है, आजकल भी चल रही है, ठीक है, आप उसको देखिए, कुछ चीज़ें आपको उससे पता चलती हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो कि आपको एग्जाम्स में कई बार बहुत हेल्प करती है, ठीक है।
तो जो महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था ना, तो वहां पर अपने परिचित लोगों को, सगे संबंधियों को, अपने सारे रिलेटिव्स को कितनी मार काट हुई थी, कितने लोग मरे थे। ठीक है, इनको जब पांडवों ने मारा इतने सारे लोगों को, अब वो भी अपनी जगह सही थे इतना कुछ करने के बाद भी, जब विपक्ष, दूसरा जो पक्ष है वो नहीं मानने को तैयार है तो अपने हक के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने इनको मारा। जब उनको मारने के बाद वो मतलब अपने आप को बहुत दोषी सा महसूस कर रहे थे कि हमसे बहुत गलत हुआ है, सही नहीं हुआ, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाह रहे थे। ठीक है, अब प्रायश्चित के लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। अब भगवान शिव जो थे वो उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे कि इतने सारे लोगों की कोई इन्होंने मार दिया इस वजह से। ठीक है, अब वो उनसे दूर भाग रहे थे और पांडव उनके पीछे पीछे जा रहे थे हर जगह। ठीक है, तो हुआ क्या, जब वो केदारनाथ में, भगवान शिव यहाँ पर पहुंचे केदारनाथ में, पांडव भी पीछे पीछे आ गए। तो भगवान शिव ने यहाँ पर अपना रूप परिवर्तित करके एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। ठीक है, भैंसे का रूप इन्होंने यहाँ पे बना लिया था केदारनाथ में आके। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पीछा कर रहे थे। तो बाद में क्या हुआ, तो वो ये अपने इस रूप में ना कुबड़ का पिछला हिस्सा यहाँ पर छोड़कर केदारनाथ में ना, ये जो भैंसे के रूप का कुबड़ वाला पिछला हिस्सा जो है भगवान शिव का, उसकी पूजा की जाती है। वो हिस्सा वो यहाँ पर केदारनाथ में छोड़ के बाकी वो धरती में समा गए। ठीक है, ताकि पांडवों ने ना उनसे ना मिल पाए, और जो वो धरती में समा गए यानी कि केदारनाथ में कुबड़ की पूजा होती है। ठीक है, जो आपको अभी इसके इतिहास मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जो बाकी जो पृथ्वी में समा गए थे ना वो, तो वो उनके शरीर के शेष भाग चार स्थानों पे मिले। ठीक है, वो चार स्थान कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो चार स्थान हैं जो भी मैंने आपको पंच केदार बताए थे ना, एक हो गया तुंगनाथ, ठीक है, दूसरा हो गया आपका रुद्रनाथ, ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका मदमहेश्वर, ठीक है, और लास्ट जो आपका हो गया वो हो गया आपका कल्पेश्वर। ठीक है, अब कहाँ पे किस भाग की पूजा की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुंगनाथ में होती है भुजाओं की पूजा भगवान शिव की। ठीक है, रुद्रनाथ में होती है मुंह यानी फेस की पूजा। ठीक है, मुख की पूजा होती है। मदमहेश्वर में पूजा होती है नाभि भाग की। ठीक है, और कल्पेश्वर में पूजा होती है इनके केश की। ठीक है, ये तो आप बहुत ईजी याद कर सकते हैं, कल्पेश्वर केश, ठीक है, और केदारनाथ कुबड़। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस मंदिर में होता क्या है, ये भी बहुत ठंडी जगह है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत बर्फ गिरती है ठंडों में। ठीक है, तो ये मंदिर भी अप्रैल से नवंबर के मध्य खुला रहता है, नवंबर में बंद होने के बाद अप्रैल में खुलता है। ठीक है, और मेष संक्रांति से 15 दिन पूरे इसके कपाट खुलते हैं, और जो नवंबर में बंद होते हैं ना, वो जो भाई दूज का त्यौहार आप सब लोग भी शायद मनाते होंगे। ठीक है, तो एक जो बहुत बड़ा त्यौहार होता है भाई दूज का, उस त्यौहार पे इसके कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो केदारनाथ मंदिर है ना, इस मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान है। ठीक है, एक आप नुकीली इस टाइप से कुछ समझ सकते हैं, कुछ इस टाइप से एक नुकीली सी चट्टान है, वो चट्टान भगवान शिव के सदाशिव के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, वैसे एक ऊबड़ भाग की पूजा होती है और ये चट्टान की पूजा होती है। ठीक है, और इस मंदिर में दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। ठीक है, और मंदिर का ना, जैसे कोई भी मंदिर होता है तो ऐसे करके उसका गेट होता है। ठीक है, यहाँ से आप एंटर करते हैं मंदिर में। ठीक है, इस गेट पे मंदिर के रक्षक देवता भैरवनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, भैरवनाथ जी का मंदिर है मंदिर के गेट पे। ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में और बता दूं, यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब ये पांडवों से रिलेटेड है तो यहाँ पे इनकी मूर्तियां भी होनी मतलब स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव के पीछे यहीं पर आए थे, तो यहाँ पर पांचों पांडवों सहित द्रौपदी की भी विशाल मूर्तियां स्थित है। ठीक है, और मंदिर के पास अनेक कुंड भी हैं, जैसे एक रुधिर कुंड हो गया जिसमें लाल पानी है, शिव कुंड, इस टाइप के अनेक कुंड भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो अब इसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जाड़ों में जब इसके कपाट बंद होते हैं, ठीक है, जाड़ों में कपाट बंद होते हैं, ठीक है, इससे पहले ये आपका अप्रैल टू नवंबर खुला रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जाड़ों में जब कपाट बंद होते हैं तो ये इनकी पूजा होती है ऊखी मठ में। ठीक है, ऊखी मठ में
ओंकारेश्वर मंदिर में, ठीक है। अब ओंकारेश्वर मंदिर जो है ना, इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो और यहाँ पे भी ना बहुरंगी छवि वाले बहुत सुंदर मंदिर है, आप इस मंदिर को देखिए कभी, बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर ना बाणासुर जो थे ना, आपने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा होगा बाणासुर के बारे में, तो बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर इसका नाम पड़ा है ऊखीमठ, ठीक है। ये जो ऊखीमठ नाम पड़ा है ये बाणासुर की पुत्री के नाम पर पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ये है ना आपका ऊखीमठ, ये आपका रुद्रप्रयाग से 42 किलोमीटर है, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे है। यहाँ पर जाड़ों में पूजा होती है भगवान शिव की, ठीक है, केदारनाथ मंदिर की जगह पे। और यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस भाग की कैसे कैसे पूजा होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका रूट डिस्कस कर लेते हैं, रूट रह गया, बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो आपका केदारनाथ है, ये आपका ऋषिकेश से 216 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ से जब आप जाएंगे ऋषिकेश से केदारनाथ, तो सबसे पहले आप गौरीकुंड पहुँचेंगे, ठीक है। गौरीकुंड पहुँचेंगे, यहाँ से गौरीकुंड से ना 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है, ठीक है। यहाँ पे और कोई बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, आपको पैदल या खच्चर इन सब चीज़ों से ही होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत नहीं है। पर ये ऐसा धाम है, यहाँ पर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रैकिंग होती है 14 किलोमीटर की, ठीक है। और यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान भी आप करते हैं, उसके बाद आप गौरा देवी के दर्शन करते हैं। और ये गौरीकुंड क्यों फेमस है, ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर देवी पार्वती जो भगवान शिव की पत्नी थी ना, देवी पार्वती, उन्होंने यहीं पर बैठकर तपस्या की थी, ठीक है, और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा रूट हो गया डिस्कस, ठीक है, यहाँ से 14 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए भी ये सब चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।